करते हैं बिलासपुर से, जहां पर हाईकोर्ट से विधायक को झटका लगा है। विधायक देवेंद्र यादव जो हैं उन्हें झटका लगा है। चुनाव याचिका उन्होंने लगाई थी जिस पर नोटिस जारी किया गया है। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर यह सुनवाई हुई है और हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। 20 मार्च को अब मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये झटके के तौर पर देखी जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव के तौर के लिए चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका थी, हलफनामे में जो चुनावी हलफनामा होता है इसमें जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दुर्ग संभाग के भिलाई नगर विधानसभा सीट के जो कांग्रेस विधायक है देवेंद्र यादव, उनके खिलाफ एक याचिका लगाई थी और जो विधायक पूर्व विधायक रहे प्रकाश प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने चुनाव याचिका लगाई थी जिसपे आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है। और जो आधार रहा है याचिका का वो हलफनामे में संपत्ति संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने और इसके साथ ही आपराधिक मामले छिपाने का जो आधार है वो इस पर चुनौती दी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगली जो सुनवाई होगी वो 20 मार्च को तय की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगली 20 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखना होगा कि आगे क्या पक्ष कोर्ट में रखा जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात एक बार फिर से हरदा की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हैं। कल एक बड़ी घटना सामने आई थी जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया था। 3 मंजिला पटाखा फैक्ट्री जो है धमाके के बाद पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी। जांच कमेटी 3 सदस्यीय बना दी गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज खुद मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया है और अब घायलों का हालचाल भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो जिला अस्पताल पहुंचकर लिया जा रहा है। उनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है जो जिनसे डॉक्टर्स से बातचीत मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही, क्योंकि कई सारे लोग बड़ी संख्या में लोग इसमें जख्मी हुए हैं, इलाज उनका चल रहा है और उचित उनको इलाज मिल पाए, क्या उनकी स्थिति है, कहीं अगर रेफ़र करने की ज़रूरत है तो क्या उनको रेफ़र किया गया है, नहीं किया गया है, तो क्या यहाँ पर जो संसाधन होने चाहिए वो उपलब्ध हो पाए हैं, अगर कमी है तो उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है और घायलों से बातचीत की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने हवाई जायजा लिया। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि जो हरदा में कल जो घटना पेश आई थी उसमें जो घायल लोग हैं उनको कई को भोपाल के लिए भी रेफर किया गया था और भोपाल पहुंचने के बाद हमीदिया अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री कल ही पहुंच गए थे और वहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना था और आज वे हरदा पहुंचे हैं और घायलों से बातचीत की है। साथ ही साथ डॉक्टर से भी रिपोर्ट उन्होंने ली है कि क्या स्थिति है मरीजों की और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता अभी है और अगर ज़रूरी चीज़ें हैं तो उनको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो हर चीज़ का बारीकी से परीक्षण करते हुए और मुख्यमंत्री लोगों का हालचाल जानते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िला अस्पताल की ये तस्वीर है जहां पर मरीजों जो भर्ती हैं, जो दरअसल हताहत कल हुए थे, उनसे मुख्यमंत्री जो हैं वो जायज़ा ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि क्या हुई थी, कैसी घटना हुई थी और क्या कमी पेशी है, उन सभी के बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की। ये मुख्यमंत्री ने हवाई जायजा लिया था और उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बातचीत भी उनके द्वारा की गई थी। ये लोग 4-5 लोग पंप से जिसे पता लगा ना तुम्हारे गए बताने बचाने की सेवा की करेंगे ऐसे जो बाहर से गए कितने लोग हैं आप लोग? 5 लोग। सबका नाम देना तो नहीं ना, इनका ध्यान रखेंगे और
सबसे पहले यही लोग पूछे थे। आपको कहाँ कहाँ लगी और इसके अलावा क्या नाम आपका? कितने परिवार के लोग? तो इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री के द्वारा दिलाया जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। कैसे ये घटना हुई, जो लोग जो हैं वो कैसे हताहत हुए थे, सारी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राहुल प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद।